आमिर, आज दुकान बंद करने का ख्याल नहीं है क्या? बस बंद ही कर रहा हूँ भैया, लेकिन आज मैं आपके साथ नहीं जा सकूंगा। क्यों, क्या बात है? आज सुबह बड़े साहब आए हैं ना दुबई से। बड़े साहब? अच्छा अच्छा, तुम्हारे ससुर? हाँ भैया, इसीलिए आज मैं जल्द घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बैठ के चले जाना, वरना दोस्तों को शिकायत होगी। जी हाँ, ये ठीक है। अच्छा रहमत, तुम दुकान बंद करके घर चले जाना। अच्छा जी। आपकी वजह से पहली बार अब्बाजान से झूठ बोला था कि आप रोजाना ही जल्दी आ जाते हैं, सिर्फ आज देर हो गई। तुम कितनी अच्छी हो शेरा, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। काश मैं भी आपके बारे में ये कह सकती। मुझे और शर्मिंदा न करो शेरा, मैं वादा करता हूँ मैं आज से खुद को बदलने की कोशिश करूंगा, आइंदा शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये वादे तो आप पहले भी कई बार कर चुके हैं। नहीं शहनाज, मैं जानता हूं कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं, लेकिन इस बार बिल्कुल पक्का वादा है, मुझे तुम्हारी जान की कसम। याद रखो, इस बार तुमने मेरी कसम खाई है। अगर अब तुमने शराब पी तो इसका मतलब ये होगा तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। ये हो सकता है कि मुझे मुझे तुम्हारी परवाह ना हो। महाराज, अगर तुमने अब कसम तोड़ी तो फिर मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं जीते जी तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी।
अब आप बातें बहुत हो चुकी, अब सीधी तरह हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हें उठा के ले चलेंगे। ओ, मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं जा सकता यार। क्यों नहीं जा सकते? इसलिए कि मैंने शराब से तौबा कर। तौबा? तौबा और इस उम्र में? अरे यार क्यों गुनहगार होते हो? ये मजाक नहीं है भैया, शहनाज ने मुझसे कहा है कि अब अगर मैंने शराब पी तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। अरे भाई वो तो हर बात पर घर छोड़कर मैके जाने की धमकी देती है। मिया मेरी बीवी पूरे 20 साल से रोजाना हमें ये धमकी देती है, मगर मगर क्या? मगर वो अपनी खून न छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदला। अब चलो भी हामिद, क्यों खामा खादोर कर रहे हो? भैया आपको तो मालूम ही है शहनाज के वालिद आए हुए हैं और देखो बखुदा ये बीवी की तो समझ में आती है लेकिन ये सुसर वाली बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी। अब अगर तुम सुसरों के थल्ले भी लगने लगे तो काम कैसे चलेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, अगर यही मामला है फिर तो तुम्हें आज जरूर पी कर जाना चाहिए ताकि झिझक और रोक टोक हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और क्या, तुम अपनी जेब से पीते हो, कोई उनसे मांगने तो नहीं जाते? मगर यार वो घर के सबसे बड़े हैं। अम्मा छोड़ो यार, क्या सब ऐसे। अल्लाह खैर करे, तूफान आने वाला है और वो अभी तक नहीं आए, हालांकि आज तो उन्होंने जल्दी आने का वादा किया था। शराबी के वादे की भली चलाई, अरे उसका वादा तो सिर्फ उस वक्त तक कायम रहता है जब तक उसके सामने शराब ना आए, एक बार शराब मिली तो फिर वो सब कुछ भूल जाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आज तो उन्होंने मेरी कसम खाई थी अब्बाजान। खुदा करे तुम्हारा ख्याल सही हो लेकिन यकीन नहीं आता। क्यों? इसलिए बेटी कि हमने दुनिया देखी है, हम जानते हैं कि जब तक हामिद को कोई जबरदस्त ठोकर नहीं लगेगी उस वक्त तक वो राह रास्त पर नहीं आएगा, और इसीलिए हमने तय किया है कि अगर आज भी वो शराब पीकर आया तो हम उससे दो टोक फैसला करेंगे। कैसा फैसला? यही कि या तो वो अपनी आदतें छोड़ दे या फिर शहनाज और छब्बो को छोड़ दे। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बाजान, भले ही कैसे मुमकिन है? मुमकिन क्यों नहीं, शरीफ बीवी अपने शोहरों को छोड़ा करती है अब्बाजान। शरीफ बीवी होने का मतलब ये तो नहीं कि औरत जुल्म की चक्की में पिसती चली जाए, वो अपने शोहर की आवारगियों को अपने दामन में समेटे चली जाए। अगर ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का सवाल होता तो हम अपने होंठ सी लेते, मगर हमें बताओ कि आखिर इस मासूम ने क्या कसूर किया है? आज ये बच्ची है कल जवान होगी, इसके लिए किसी अच्छे बर की तलाश होगी, वो कहां से आएगा? बाप के लक्षणों को देखकर इसे कौन रिश्ता देगा? चुप हो जाइए भाजा, खुदा के लिए चुप हो जाइए। नहीं आज हम चुप नहीं होंगे, आज तुम्हें हमारी बात मानना होगी, अपने लिए न सही अपनी बच्ची और शोहर की भलाई के लिए तुम्हें ये कड़वा खून पीना पड़ेगा, तुम्हें ये घर छोड़ना होगा, शहनाज छोड़ना होगा। तो ये तुम हो नारद मुनि जो मेरे घर में आग लगा रहे? अच्छा हुआ तुमने तमाम बातें, अब बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? फैसला? मेरा फैसला ये है कि इस घर से निकल जा फौरन, आइंदा कभी इस घर में कदम न रखना। समझा? निकल जाए घर। शराब के नशे में तुम अपने उस हमास खो बैठे हो, इसलिए तुम्हें तुमसे बात हो। क्यों बात होगी? अभी बात होगी, इसी बस बोल क्या जाता है। और तुम नशे में चूर हो, छोड़ो मुझे। नशे में हुआ, मैं शराब पीता हूँ, रोज पीता हूँ, अगर मैं शराब अपने पल्ले से पीता हूँ तो इससे भीख मांगने नहीं जाना। बदतमीजी मत करो मुझसे। तमीज मेरे घर में मुझे तमीज सिखा रहे हैं, तू पहले खुद तमीज सीख। बुड्ढे क्या हो गया आपको, बड़ा कैसे बात करते हैं? कौन बड़ा, कैसे बड़ा? ये मेरा बड़ा नहीं है, मेरा बड़ा सिर्फ मेरा भाई है जो मेरा दोस्त भी है, मेरा हमदर्द भी है, जिसके साथ रहकर मैं सारे कम भूल जाता हूँ। वही बड़ा भाई जिसने तुम्हें शराब पिला पिला के बर्बाद कर दिया है। और अब एक तू यही है मुझे, निकल जा मेरे घर से, कभी नहीं निकल। शराब गिराई बुड्ढे, मैं Thank you.
जाकर जमीन पर मालूम होता है राज शहनाज ने बिस्तर पर नहीं लिटाया। क्यों है ये लोग? ये तो मैं आपसे पूछने वाला था। क्या मतलब? यही कि घर वाले सब कहाँ गए? गए? जी हाँ, घर में न बड़े सरकार हैं, न बेगम साहबा हैं, न शबो बिटिया। शहनाज, 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 शहनाज। अपने लिए न सही, अपनी बच्ची और शोहर की भलाई के लिए तुम्हें ये कड़वा खून पीना पड़ेगा। तुम्हें ये घर छोड़ना होगा, शहनाज छोड़ना होगा। वो काम किया है जो कमीने से कमीना इंसान भी नहीं कर सकता। मुझे इसी बोतल से अपनी आंखें फोड़ लेने दो। मैं शबो और शहनाज के बगैर इस दुनिया को देखना नहीं चाहता। मुझे मर जाने दो रेवर, मुझे मर जाने दो। यूं मरने से कुछ नहीं होगा सरकार। अगर आप चाहते हैं बेगम साहिबा और बिटिया वापस आ जाए, टूटे हुए मन जाए, तो खुदा इस बुरी आदत को छोड़ दीजिए। खुदा पर भरोसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मालिक तुम ठीक कहते हो। इस जलील हामी तुम आने का तरीका यही है। मैं अपने आप को बदल डालू। मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। मैं उसे तलाश करूंगा और जब शहनाज वापस आएगी तो वो देखेगी उसका हामी बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को इंतजार की जहमत उठाना पड़े। कोई बात नहीं शेख साहब, देर से तो होती रहती है। तो फरमाइए, मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी वो आप फरमाइए। बात यह है शेख साहब, हमारे इलाके में ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छा डॉक्टर। हम बस्ती वालों ने फैसला किया है एक डिस्पेंसरी कायम करने का। उसके लिए 50,000 रुपए की रकम चाहिए। आप रकम की फिक्र न कीजिए। सेक्रेटरी जी, तुम इनके साथ जाकर डिस्पेंसरी का प्लान स्टडी करो और उसे हमारी तरफ से मुकम्मल करवा दो। राइट सर। जी तो आपने कैसे जहमत किया? भाजी मेरी बच्ची की शादी। अच्छा अच्छा, तो हमारी भतीजी की शादी है। जी हमारी भतीजी के नाम 5,000 का चेक काट दो। मैं चलते चलते थक गया हूं, सिर्फ एक बार लौटा। देखो मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली है, एक बार आकर देख तो लो। ये हाथ डाल देना बहन। ये हाथ क्यों लिखा है? अपने मर्द में? हाँ,
मैं चाहती हूँ मेरे मरने से पहले वो आकर अपनी शबों को साथ ले जाए। खत डाल दोगी ना? हाँ तुम तसल्ली रखो, मैं अभी जाकर खत डाल दूँ। चोट तो नहीं लगी? इसका खत है मासी? शेख हामिद अली जनरल मार्चन। कौन है मासी? हाँ नहीं है, तेरा प्यू है। प्यू? ए प्यू कितो आ गया मासी? हाँ अपनी माँ को ना पूछ, ले आ खत। माँ, ए माँ, मासी की कहती है? सुना तुमने, मासी कहती है शेख हामिद अली जनरल मार्चन मेरा प्यू है। तेन बोलना, मेरी बच्ची तेरी मासी ठीक कहती है, तेरे बाप का नाम शेख हामिद अली है। वो हयात है बेटी, उनकी दुकान लाहौर में है। मगर माँ तूने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया, आखिर? मैंने आज तक ये बात तुझसे छुपा रखी थी बेटी। मगर क्यों? इसलिए कि मैं उनसे नाराज होकर चली आई थी, और मैंने तेरे बाप की कसम खाकर कहा था कि मैं अपनी सूरत उन्हें कभी नहीं दिखाऊंगी। ये कसम खाने के बाद मैं उनसे कैसे मिल सकती? माँ, माँ मुझे माफ कर देना, मेरी गलत थी, मेरी कसम की वजह से तू भी अपने बाप की मोहब्बत से महरूम हो गई। मगर अब मैंने उन्हें खत लिख दिया है, वो आकर तुझे ले जाएंगे। अगर उनके आने में देर हो जाए और मैं ना रहूं तो खुद चली जाना उनके पास। वादा कर मेरी बच्ची। माँ, मेरी बच्ची। फिर वही शराब? अरे नामकूल, मैंने कितनी बार समझाया इस खबीस चीज से दूर रहे, ये बुरी चीजें छोड़ दे। अरे हंसता क्या है, मैं सच कह रहा हूं, इस बुरी आदत को छोड़ दे बेटा। उस तन्हा आदत को छोड़ दूं जो मैंने आपसे सीखी है पापा, आप मुमकिन है भूल गए हो। अगर मुझे याद है कि आप और अंकल यहाँ बैठकर हर रोज शराब पिया करते थे और मैं इस कमरे से छुपकर देखा करता था और सोचता था बड़ा होकर मैं भी ये मजे जरूर लूटूंगा। अब मुझे भी वो मजे लूटने दो पापा जो तुम लूट चुके हो। तुझे हमारे मजे तो याद रहे लेकिन उस तबाही को भूल गया जो इस शराब की वजह से हमारे खानदान पर आई है। कौन सी तबाही? मुझे तो कोई तबाही नजर नहीं आती पापा। तुझे तबाही नजर नहीं आती? हामिद का हंसता बसता घर किस तरह उजड़ गया तुझे दिखाई नहीं देता? शराब ने उसे किस तरह तबाह कर दिया? अगर हामिद अंकल तबाह है पापा तो फिर खुदा हर घर को ऐसे ही तबाह कर दे, कम अज कम मुझे जरूर कर दे। तुम मान गए हो, तुम उसकी दौलत देखते हो, उसकी शान और शौकत देखते हो, लेकिन उसके अंदर छुपे हुए उस गम को नहीं देखते तो उसे खून की तरह चाट रहा है। अरे तुम क्या जानो? नशे से क्या होता है डार्लिंग, ये तो सिर्फ दो लम्हे बाद खत्म हो जाएगा। तो फिर को ये आंख पिलाए ला 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 ला।
को ये आँख पिलाए, आहा आहा कैसे वो होश में आए, दीवाना जिसको ये आँख पिलाए, आहा आहा। Very good darling, तुमने तो कमाल कर दिया। Wonderful. बस और क्या, आसमान से तारे तोड़कर ला दूं? मैं तारों का क्या करूंगी? अपनी मांग में सजा लेना। जी नहीं, थैंक्स। फिर कोई और हुक्म? बस मुझे तो वो डायमंड का हार चाहिए जिसका आपने वादा किया था। डार्लिंग, वो बहुत कीमती है और मेरे पापा मुझे इतने पैसे नहीं दे सकते। लेकिन वो आपका लखपति चचा किस काम का? डार्लिंग, क्या वो आपको इतने पैसे भी नहीं देगा? खेला जा रहा है? ये खिलौने नहीं, ये मेरे माजी के जख्म है, मेरी यादें, मेरा खजाना है। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। लेकिन अंकल, इस वक्त तो मैं किसी और मतलब से आया था। मतलब के बगैर तुम आते ही कब? बात ये है अंकल कि इस वक्त मुझे 2000 रुपयों की जरूरत है। मैं तुम्हें 2000 क्या, 2 लाख दे सकता हूँ। Really? मगर एक शर्त पर, वो ये कि तुम आइंदा शराब नहीं पियोगे और क्लबों में भी नहीं जाओगे, बल्कि अपने लिए कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लोगे। बिल्कुल ठीक है, कारों में घूमना और बारों में रहना, इससे तो अच्छा कोई कारोबार ही नहीं। मैं आज ही से शुरू कर दूंगा। महबूब, इस वक्त तुम नशे में हो, तुम्हें अपनी भलाई की कोई बात भी। भलाई भलाई भलाई, हेल विद इट। वो तो इतने ऐश किए हैं कि बीवियां या तो गम में मर गई या घर छोड़कर चली गई। महबूब, तमीज से बात करो। मेरे तमीजदार अंकल, मुझे 2000 रुपया दे दीजिए। तमीज, चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों। रुपए दे दीजिए, चला जाऊंगा। अब तुम्हारी अय्याशियों के लिए मेरी तरफ से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, निकल जाओ। जा रहा हूँ, इतना चीखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर एक बात मेरी भी सुन लो, या फिर तुम कितने दिन और इस खजाने पर शाम बनकर बैठे रहोगे? आज नहीं तो कल तुमको भी मरना है अंकल, और उसके बाद ये सारी जायदाद मेरी होगी, इसलिए कि तुम्हारी बीवी और बेटी तुम पर पहले ही थूक कर जा चुकी है और अब वो वापस नहीं आएंगी अंकल। नहीं, तुम झूठ कहते हो, शहनाज और शब्बो जरूर वापस आएंगी, वो जरूर वापस आएंगी, मेरा दिल कहता है वो जरूर आएंगी। बाबूजी, लाहौर की बास कौन सी है जी? लाहौर की बास? लाहौर की बास पापा जी चली गई है। चली गई? हाय माँ, उनकी होएगा। चल वापस चल, 2-2.5 घंटे बाद फिर आ जाएंगे। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। हमारी किस्मत में यही चक्कर है, लाहौर से अब्तवाद, अब्तवाद से लाहौर। ये गले मुगी, सुना तूने, ये लाहौर जा रहे हैं, मैं इनके साथ चली जाती। मगर शब्बो, ये बस वाले नहीं हैं, ये लोगों को नहीं ले जाते। कोई पागल, मैं इनसे पूछ लेती हूँ।
और फिर जाकर ट्रक में चढ़कर बैठ जाऊंगी। कैसा? नहीं शबो, मुझे डर लगे है, ये ठीक नहीं है। नहीं जाना मुझे है, डर ही से लग रहा है पागल। बाबूजी मुझे लाहौर जाना है, बस छूट गई। तुम लाहौर जा रहे हो इसलिए मैं। ये बस नहीं ट्रक है और हम लोग पैसेंजर बिठा कर नहीं ले जाते। मुझे बिठा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारे ट्रक का? बिठा लो उस्ताद, साढ़ा की जाएगा। मगर अभी क्या उस्ताद, अब बिठा लो, यहाँ कहाँ तक खाती फिरेगी। चल जा बैठ जा। इस नाम से लिखने वाला कौन है? इतने अरसे के बाद ये खत पाकर आप हैरान तो जरूर होंगे, मगर मैं अपनी किस्मत से मजबूर थी इसलिए अब तक खत ना लिख सकी। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, मगर आपकी निशानी शबरानी मेरे पास है, इसे आकर ले जाइए ताकि मैं कब्र में सुकून की नींद सो सकूं। सरकार, क्या हुआ सरकार? मुझे जिंदगी मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया है। मालिक ही आप? अरे मुझे शहनाज मिल गई है, शहनाज मालकन। हाँ ये देखो ये उसका खत है। अरे जाओ जल्दी से गाड़ी तैयार करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उसने मुझे बुलाया है, मैं इसी वक्त जाऊंगा। बहुत अच्छा सरकार, मगर जाना कहाँ है? सामान भी तैयार करो। अरे नहीं सामान को गोली मारो, जल्दी गाड़ी तैयार करो, जाओ जल्दी जाओ। अभी जल्दी, अब एक लम्हे इंतजार नहीं हो सकता। ये खत जाने कहाँ कहाँ होता हुआ पूरे 32 दिन के बाद मुझे मिला है। खुदा का शुक्र है पहुंच तो गया। क्या बात है भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे भैया आप भी चलिए, अच्छा हुआ आप आ गए, चलिए मेरे साथ। मगर कहाँ? सब कुछ बता दूंगा। रहमत बाबा घर तो यही लगता है, जरा इस औरत से मालूम तो करो। जी अच्छा। माफ करना बहन जी, शहनाज बेगम का घर कौन सा है? शहनाज बेगम का घर तो यही है, पर तू क्यों पूछे है, कौन है तू? बात दरअसल ये जी, वो मैं हूँ हामिद, हामिद शहनाज का शोहर। पर शहनाज का खामन तो मामूली दुकानदार था, तू किवें हो सकना है? पहले मैं दुकानदार ही था बहन, खुदा ने उसी दुकान में ये बरकत दी। मगर शहनाज कहा है, मुझे उसके पास ले चलो। शहनाज के पास ले चलूं? हाँ बहन, मगर बहन उसे कुछ ना बताना, मुझे बस दूर से दिखा देना, समझ गई ना? आ जा फिर मेरे पीछे, आ जा मिल ले। वो चली गई भैया, वो चली गई, वो मुझसे बहुत नाराज है। वो रोज आपका इंतजार करती थी, इंतजार करते करते वो खुद ही चली गई, और उसके पीछे शब्बो भी आपका इंतजार करती रही। शब्बो कहाँ है? शब्बो मुझे उससे मिलाओ। शब्बो आज ही शहर चली गई। शहर? पर शहर क्यों चली गई? आपसे मिलने के लिए, शाहनाज की आखिरी वसीयत यही थी। Thank you.
लाहौर ही जाना है सोने हो, फिक्र क्यों कर दे हो? लेते आओ, आओ ते सही। आ जाओ सोने हो, एवं क्यों टाइम जाया करते पे हो? तुसी आपे थल्ले आंदे हो कि असी उत्ते आइए। मेरा ख्याल है तुसी आ जाओ। अला you
वाली सुनसान सड़क पर तुम भाग क्यों नहीं हो? मैं ट्रक पर लाहौर जा रही थी, मगर इतने पहुंचकर ट्रक वालों की नीयत खराब हो गई। वो मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, मगर मैं भी उन्होंने वो मार मारे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। कहाँ है वो ट्रक? नस गए और मेरी पोटली भी ले गए कमीने। खैर कोई बात नहीं, ये बताओ करोगी क्या? पता नहीं, जाना तो मुझे भी लाहौर था, मगर लाहौर तो मैं भी जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। सच बाबा? हाँ, लाहौर पहुँचा दूंगा तुम्हें। हाय, फिर तो गले भूखी। आओ। लाहौर में कहाँ जाओगी तुम? क्या? मैं पूछ रहा हूँ लाहौर में कहाँ जाओगी तुम? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कहाँ जाओगी तुम? लाहौर, मैंने बताया नहीं है, वही तो मेरे अब्बू जी रहते हैं। किस जगह? ये मैं कैसे बताऊँ? क्यों? देखो ना, अब्बू जी का पता मेरे सामान में था और वो सामान ट्रक वाला ले गए। उन्हें की दशा? तुम फिक्र न करो बाबू जी, मुझे लाहौर छोड़ दो, मैं अपने ही अब्बू जी को तलाश कर लूंगी। अरे भाई, लाहौर तो आ गया है। तो फिर तू मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर तो गले मुक्की। देखो लड़की। लड़की नहीं, शबोड़ानी शबनम, मेरा नाम शबनम है, माँ मुझे प्यार। अरे भाई, तुम जो भी कुछ हो मेरी बात तो सुनाओ ना। सुन तो रही हूँ, और क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रहा था, रात के वक्त अकेली लड़की का किसी को तलाश करना मुश्किल बात है। मुश्किल है या आसान, दोनों तो है। अच्छा, ऐसा करो, इस वक्त तुम मेरे साथ चलो, रात को मेरे घर पर रहना, दिन को तलाश कर लेना। ना जी ना, लाहौर पहुँच कर एक मिनट भी अपने अब्बू के बगैर नहीं रह सकती मैं, तो अभी और इसी वक्त अपने अब्बू को तलाश करूंगी। हाँ, मगर कैसे? होय 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 होय, कैसे कुड़ मगर से पाला पड़ा है। अरे बाबा, मुझे अपने बाप का नाम मालूम है, हामिद अली, और इसे भी मालूम है कि उसकी दुकान है, बस मैं ढूंढ लूंगी। मगर तुझे मेरी फिक्र ना करो बाबू जी, अपनी फिक्र कर, अल्लाह बे। यहाँ कब तक खड़े रहोगे हामिद? चलो घर चलो। नहीं भैया, शब्बो की बस यहीं आएगी, अगर हमने उसे बस स्टैंड से न दिया तो वो न मालूम शहर में कहाँ कहाँ भटकते फिरेगी। लेकिन सरकार, इधर से आने वाली आखिरी बस भी आ चुकी है। सरकार, ये क्या हो गया? हामिद अली की दुकान कह रही है जी? हामिद अली की दुकान? हाँ। इस मार्केट में तो कोई हामिद अली की दुकान नहीं है। हाय माँ। हाँ हाँ, कुचल दो कुचल दो, मोटर है ना तुम्हारे पास? बेटी माफ करना, हम लोग जरा जल्दी में हैं, मरीज है हमारे साथ। चलो रहमत। तो चोरी करने आई है? मैं चोर नहीं हूँ। झूठ बोलती है, चल थाने। खुदा की कसम, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो गुंडों से बचने के लिए। ये सब बातें चलकर थाने बताना। अच्छा बाबा, चलती हूँ, जरा सुनो तो। आ, आ। कहाँ जाओगी? चलो थाने। सिपाही साहब, मैं चोर नहीं हूँ, अल्लाह जिसको ऐ झूठ बोले, गुंडे मेरे पीछे लगे, आप मेरी बात सुनो। इस लड़की पर चोरी का इल्जाम है,
ये कहती है कि चोरी इसने नहीं की बल्कि ये अपने बाप को तलाश कर रही थी। हाय माँ, तू बहरुपिया है या जादूगर? कौन है तू? तमीज से बात करो लड़के, थाना है तुम्हारा ससुराल नहीं, चोरी का इल्जाम है। अल्लाह तुझे, तू तो जानता है बाबू मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो अपने पियू को तलाश करने आई हूँ। मुझे जाने दे बाबू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़नी हूँ। सुनो, मैं तुमको देर तक फैक्स नॉर्मल तक ही कर सकता हूँ, और अगर तुम्हारा गुजामी न हुआ तो तुम्हें 3 महीने की सजा मिल सकती है। मैं तो तुझे बड़ा चंगा बंदा समझी थी, तू तो बड़ा जुल्मी है रे। मैंने तुझसे पहले कह दिया था कि अकेली लड़की का रात कुछ घूमना फिरना बहुत मुश्किल बात है। खुदा का शुक्र अदा कर तुम थाने में आ गई, वरना गलत हाथों फंस जाती तो मैं जानती तब क्या शुरू होता। अब तेरे दो रास्ते हैं, या तो हवालात में रात गुजार वरना मैं सब घर चल। बोल क्या कहती? अरे भेड़िया, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? बेटे, गाजर में मूली की कलम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कीनू की तरह यहाँ भी कोई गजमूली पैदा हो जाए। मगर बेटे, ये किस खेत की मूली है, कहाँ से उखाड़ लाए हो? ये शब्बो है, शब्बो रानी। तो ये गुले शब्बो रात के वक्त आपके साथ किस खुशी में घूम रही हैं? हे बाबू जी, मैं नहीं घूम रही थी इसके साथ, ये मुझे खुद ला है। कहता है अगर तू मेरे साथ घर न चली ते मैं हवालात विच बंद कर देंगा। कमाल है भाई। बेटे, तुमने तो माशाअल्लाह बहुत जल्द पुलिस वालों के तौर तरीके सीख लिए हैं, इसे स्टेटमेंट देने के लिए यहाँ लाए। ओ डैडी, मैं ये गलत कह रही है। की 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 कहना, जरा फिर कहीं। मेरा मतलब है, क्या तुम सही रही हो? हाँ। लेकिन डैडी, बात ये नहीं है। तो फिर बेटे मुझे चुपके से बता दे बात क्या है। देखिए ना, लड़की जवान है, रात का वक्त। कोई बात नहीं है, लड़की भी जवान है और माशाअल्लाह तुम भी किसी ना किसी तरह खासे जवान हो गए। मेरा क्या जिक्र है डैडी? अच्छा भाई, बैंगन का जिक्र सही। बैंगन को तो लुढ़कने की आदत होती है, जवान बैंगन जवान भिंडी को लेकर अंधेरी रात में घूम रहा है। ओ डैडी, मेरी बात तो सुनिए, ये गाँव से आई है, सामान के साथ घर का पता भी चोरी हो गया, अब ना इसका कुछ ठिकाना है ना इसके पास पैसे, मुझे बताइए इस हालात में क्या करूँ। तो बेटे, तुमने ये रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी कब से ले ली? मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं डैडी, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ जब तक इसका बाप नहीं मिल जाता ये हमारे साथ घर पे रहे। ठीक है, तुम इसे अंदर ले जाओ। जी। लेकिन तुम्हारी एक जवान बहन भी घर में है। हाय ला भैया, आपने मेरी नाती तोड़ दी है। मगर कसूर तो तेरा अपना है, तू चिपक के दरवाजे के साथ क्यों खड़ी? तुम्हारी और डैडी की बातें सुन रही थी, और क्या कर रही थी? अच्छा, तो तेरे को सजा जासूसी की? खैर छोड़ इस बात, इनसे मिल ये है। इनके बारे में मैंने सब कुछ सुन लिया है। मेरा नाम है नजमा, मैं इनकी बहन हूँ और तुम शबोरानी हो, ठीक? आहो, हाय सच, कैसा प्यारा नाम लगता है शबोरानी, ऐसा मालूम होता है जैसे, कैसा लगता है भैया? मुझे लगी है भूख, पहले मुझे खाना खिला फिर तेरी बकवास सुनूंगा। तो मैं बकवास कर रही हूँ? हाँ जी, अब शबोरानी जो आ गई है अब तो हम आपको बकवास ही लगेंगे। अच्छा बाबा, चल जल्दी से खाना खिला, चल शाबाश चल। अरे तुम बाहर खड़ी हो, अंदर आ जाओ ना। और सुनो, यहाँ तकल्लुफ नहीं चलेगा, जब तक तुम्हारे अब्बू नहीं मिल जाते तुम्हें इसी घर में रहना पड़ेगा। मगर ऐसे रहकर अपने अब्बू को कैसे तलाश करेंगे? अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो, उसका इंतजाम भी हो जाएगा। की इंतजाम हो जाएगा? ओफो, अरे तुम खुद मेरे साथ चल के अपनी आंखों से देख लेना, मैं तुम्हारे लिए क्या इंतजाम करता हूँ। अब तुम यहाँ आराम से रहो। मैं फाइल देखता हूँ, तुम ऐसा करो लाहौर के तमाम थानों में फोन करके उनसे कह दो कि हामिद रे नाम के जितने दुकानदार हैं उनके फेस बनाकर मैं भिजवा दूँ, समझ गए? यस सर। अब तुम मुतमईन हो ना, हो गया ना इंतजाम? बस इतनी सी बात, ऐसे कुछ भी नहीं होया। अरे अकड़मन फ्रेश आ जाएगी तो हम चल के उनसे मिल लेंगे, तुम फिक्र ना करो।
मगर कुछ नहीं, चुप करके वहां बैठ जाओ, मुझे दूसरा काम करे तो चलो। भाई जी। हाँ बहन जी। तो हमीद अली की दुकान कितने है जी? पता नहीं बहन जी। कौन हमीद अली? वो तो नहीं जिनकी पुराने कोटों की दुकान है? पता नहीं, पुराने कोटों ही की दुकान होगी। तुम उन्हें जानते हो? हाँ हाँ, अगले चौक पर है दुकान उनकी। चलो मैं तुम्हें दिखा दूँ। बस फिर तो चंगा हुआ, गले मुगी, जल्दी चलो। ए बाबा, मैं तेरे को बोलता हूँ साला, बिजनेस का डे में कोटी काय को कहता है, घर जाओ। हम तेरे बिजनेस को खूब समझता है, हमको तो घर बेहतर, और खुद आवारा औरतों के पीछे घूमता है। ए, 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 क्या बोलते है? हम साला बूढ़ा आदमी है, 5 बच्चों का बाप है, हम कभी तेरे साथ आवारा गर्दी किया है? किसी के साथ क्या करेगा? और वो मरियम भाई के साथ कौन आँख में टक्का करता था? ए, वो साला पुराना बात है, जवानी का बात है। और वो बंगाली छोकरी का क्या नाम था जिसको तुम घर लेकर आया था? वो तो साला भूख का मारा हुआ बंगाली छोकरी था, उसको हेलप के लिए घर लाया था। अभी अभी हम सब गलत धंधा छोड़ दिया, मेरी जवानी के साथ। अरे हमीद भाई, ए छोकरी तरह का पूछता पड़ा। अब बोल, तू अगर गलत धंधा छोड़ दिया है तो ये छोकरी इधर क्या लेने आया है? हो सकती है। ए, ए, क्या बात है, मेरे पास पुराने कपड़ों का नया गांठ आया है, तेरे को कुछ लेने का है क्या? मैं तो आपसे मिलने आई हूँ, आपने मैंने पहचाना नहीं। मेरा नाम शबनम है। शबनम? हाँ, जिन्हों आप शब्बू रानी कहते। मैं शब्बू रानी कहता था? हाँ, याद आ गया ना। ए, हम तो पहला भी सब कुछ भूल गए, हम तेरे को क्या कभी किसी को शब्बू रानी नहीं बोलता हूँ। अरे वाह, मेरी माँ ने बताया था मैंने गोद लेकर कहते थे। गोद लेकर? कैसा भी जन्मी का बात करते, हम पे इल्जाम लगाता है, हम कभी किसी को गोद नहीं लिया। अभी तो मेरे को बोलेगा कि तू अमर की छोड़ दिया। तू मेरे बाप नाल लड़ने वाली कौन है? क्या बोला, इसको बाप बोला? छोड़ जी, ये मेरे बाप है, मैं इनकी बेटी हूँ। छोकरी क्या बोलता है, इतनी जल्दी में हमारा बेटी किधर से पैदा हो गया? आप क्या कह रहे हैं अबू, इस औरत के लिए अपनी बेटी को नहीं पहचाना। मैं शबनम हूँ अबू, शहनाज बेगम की बेटी। ये कौन शहनाज, कौन शबनम? मैं तो कभी शबनम का फिल्म भी नहीं देखा। तुम शहनाज बेगम को नहीं जानते? ए हाँ, नहीं जानता, नहीं जानता। और तुम सचमुच मेरे बाप नहीं हो? अरे बाबा, अभी हम तेरे को स्टैम्प पेपर पे लिख के देवे कि हम तेरा बाप नहीं है, नहीं है। फिर तो चंगा होया गली मुखी, मैं तेनू तकलीफ देती। अच्छा फिर अल्लाह बेबी। छोकरी को इस तरह वापस भेज कर तुम हमारी आंख में धूल झोंकता पड़ा, तुम समझता हम बेवकूफ है? मेरे को और माँ कुल्फी बहुत टेस्टी है। अच्छा शादी, मैं स्टूडियो चलता हूँ, शूटिंग का वक्त हो गया है, तुम यहीं रुक जाओ। सलामत अली एक नई लड़की को लेके हीरोइन के रोल के लिए आ रहा है, तुम उसे स्टूडियो लेकर आ जाना, वहीं टेस्ट हो जाएगा। ओके सर, ओके, ये कौन सी बात? बीबी जी, हामिद साहब तो चले गए, अब क्या होगा? क्या बात है भाई, ये लड़की हामिद साहब से मिलने आई। हामिद साहब तो आपका इंतजार करते करते चले गए हैं। है कोई बात नहीं, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। कितने मिलेंगे वो? रेडी, लाइट, स्टार्ट साउंड, कैमरा। मेरी मजलूम बच्ची, मैं आज तक इस आस पर जिंदा हूँ कि एक ना एक दिन तू मुझे जरूर मिल जाएगी। तू नहीं जानती मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कितना तड़पा हूँ। आ मेरे सीने से लग जा। काट काट यार, तुमने तो बिल्कुल सपाट बोल दिया। ऐसा करो, मैं बोलता हूं और तुम सुनो और कोशिश करके उसी तरह बोलो। अच्छा सर। वो सामने है हामिद साहब, वो गंजे से। रेडी? अभी रुक जाओ,
ये शॉर्ट हो जाए फिर जाना। मेरी मजलूम बच्ची, मैं सिर्फ इस आज से जिंदा हूँ कि एक न एक दिन तू मुझे जरूर मिल जाएगी। तू नहीं जानती मैं तेरे लिए कितना तड़पा हूँ। सीने से लग जा मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरे सीने से लग जा मेरी बच्ची। अप्पू। अरे कौन हो तुम? मैं आपकी बेटी हूँ। आप मेरे लिए तड़प रहे थे ना, तो मैं आ गई। वेरी गुड मिस शब्बू, वेरी गुड। आपने तो ऐसा टेस्ट दिया है, ऐसा टेस्ट दिया है कि डायरेक्टर साहब भी चकरा रहे हैं। हमें साथ ये वही लड़की हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे और टेस्ट लेना चाहते थे। अच्छा, तो आप इंटरव्यू देने आई हैं? मैं तो तानू मिलने आई थी। अम्मी ने मरते वेले कहा था, शब्बू रानी तू मेरे बाप अपने बाप के पास चली जाना, बस इसलिए मैं आ गई। बाप? आप मेरे बाप है ना, इसलिए आई हूँ। मैं बाप हूँ? ला हौल वला कुव्वत, ये क्या बेहूदा मजाक है। अरे वाह, मैं कहनी है मैं अपने बाप में तलाश कर रही हूँ और कहते हो मजाक है। मगर अगर मगर कुछ नहीं, ऐ बसो तुझ मेरे बाप हो या नहीं। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, लेकिन हीरोइन का चांस जरूर दे सकता हूँ। अरे चाचा, अगर तू मेरा बाप नहीं है तो मैं तेरे मुँह पर थूकती भी नहीं, समझा? सुनो, इधर इधर इधर। अरे इधर सुन दीदी, ये तांगा है, चरखा नहीं जो चारों तरफ घूम जाए। अरे ठहर जा मेरे बाप, पहले तू ये बता दीदी तुझे जाना कहाँ है। मुझे तो कहीं नहीं जाना, अपने बाप को तलाश करना है। कमाल है, तांगे में बैठने से कहीं बाप मिलता है। अरे 10 साल हो गए मुझे तांगा चलाते हुए, आज तक मुझे मेरा बाप नहीं मिला। तू ये बता कि तू तांगे में सवार क्यों हुई थी। अरे वाह जी वाह, तुमने तो पूछा था कि दीदी तांगे पे बैठोगी, पूछा था ना। अरे हम तो सबसे पूछते हैं, हमारा तो काम ही यही है। बस मैं बैठ गई, अब कहो तो उतर जाओ। अरे सुन बीबी, पैसे तो दे दे। कैसे पैसे? कैसे पैसे? अरे 2 घंटे से तांगा घुमा घुमा कर मेरे घोड़े की तांगे टूट गए हैं और तू कहती कैसे पैसे। सुन बीबी, सीधी तरह इधर पैसे धर दे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये तो मुझे पता है कि तुझसे बुरा कोई और नहीं है। ए भाई, अरे पैसे तो देती जा, कहाँ जा रही है? मैं इस तरह नहीं जाने दूंगा, चल मेरे नाल। नहीं छोड़ दे मुझे, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं। हेलो, क्या शपुरानी तांगे वाले की पैसे नहीं दे रही? हाँ मैं से जानता हूँ, अरे मैं खुद आ रहा हूँ। मगर मेरे को तो पैसा ही नहीं था, अगर ये पैसे की बात करता तो फिर मैं बैठती ही क्यों? लेकिन बात करे या ना करे, तांगे में बैठने के पैसे तो देने ही होते हैं। शाबा भाई शाबा, तुम भी दादाबाज की तरफदारी कर रहे हो। आइए शाह साहब, ये है वो लड़की जो तांगे वाले के पैसे नहीं दे रही। और तांगे वाले का? मैं हूँ जनाब। कितने पैसे होते हैं? सरकार तांगे में कोई मीटर थोड़ी लगा होता जी, वैसे 2 घंटे से घूम रही। काफी देर ठीक है जनाब। अरे ये तुम क्यों दे रहे हो, ये तो ऐवे पसूरी पा रहा है, इसने खुद ही कहा था कि। ठीक है ठीक है, दे दो, तुम मेरे साथ चलो। बाबूजी मारोगे तो नहीं? अरे आओ ना, जब मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था वहां से फिर तुम क्यों चली आई? वहां बैठकर मैं क्या करती, मैंने सोचा मैं अपने अब्बू को क्यों ना तलाश करूं। भाई तुम्हारे अब्बू जी को ढूंढने का इंतजाम मैंने कर लिया है, घर बैठे तुम्हें लाहौर के तमाम दुकानदारों की फीस मिल जाएगी। मैं इंतजार नहीं कर सकती। अरे जहाँ आज तक तुम अपने अब्बू से नहीं मिल सकी, वहाँ 2-4 दिन और लग जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क ये पड़ेगा कि ना मेरे पास कपड़े हैं ना पैसे, अगर अब्बू जी जल्दी ना मिला तो मैं क्या करूंगी। तुम्हें तो पता है मेरा सारा सामान चोरी हो गया है। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है? हाँ शब्बू रानी, मगर मुझे सोचने की मुझे पहले ख्याल क्यों आया, बड़ा देखती जाओ।
कैसा लिबास पसंद आया तुझे? बहुत अच्छा बाबू, इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल तेरे जैसी लगती हूँ। मेरे जैसी? हाँ, तूने तो मुझे अपने ही रंग में रंग दिया है बाबू। अब मैं भी शहरी लगती हूँ ना? गले मुक गई, वही गले मुक।
अब तो हालत पहले से बेहतर है। इससे इंजेक्शन के बाद और समझ जाएगी, लेकिन 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 क्या डॉक्टर साहब? इनकी बेटी का जल्द से जल्द मिलना बेहद जरूरी है, वरना दिल की इस हालत में कुछ और भी हो सकता है। ये देख, ये है टेलीफोन डायरेक्टरी, इसमें टेलीफोन नंबर होगा, बस अभी मालूम कर लेते हैं। हामिद अली है ना? आहो, ये है हामिद। हाय लव, मगर यहाँ तो बहुत सारे हामिद अली हैं, अब क्या करें? यूं करते हैं, सबको फोन कर देते, ठीक है ना? खानदानी मंसूबा बंदी। खानदानी मंसूबा बंदी जी, वो हामिद साहब है जी? नहीं, फरमाइए क्या मसला है, हम आपकी मदद को हाजिर हैं। जी वो हामिद साहब। हामिद साहब नहीं है तो क्या हुआ? आप शर्माइए मत, हमें बताइए, हम आपको। कौन था? तेरा सर, खानदानी मंसूबा बंदी वाले। तेरी बात करवा दूं उनसे, चल हट। नहीं इनकी बेटी का जल्द से जल्द मिलना बेहद जरूरी है, वरना दिल की इस हालत में कुछ और भी हो सकता है। महबूब। जी पापा। यहाँ एक मिनट आने जी। फरमाइए, बैठ जाओ। मगर पापा वो मेरे साथ है। इनसे तुम बात नहीं ले सकते, मगर मेरी बात जरूरी है। ओके, फरमाइए। तुम्हारा चचा हामिद बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है अगर उसे उसकी बच्ची न मिली तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। अगर हामिद को कुछ हो गया तो तुम्हारा बाप भी जिंदा नहीं रहेगा, वो भी मर जाएगा महबूब। मगर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम शब्बो को तलाश कर सकते हो। हाँ, तुम शब्बो को तलाश करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर मैं उसे कैसे तलाश कर सकता हूँ? मैंने तो उसे देखा भी नहीं। देखा तो उसे किसी ने भी नहीं है, न मैंने, न तुमने, न हामिद ने, बस बचपन में देखा था। सॉरी डार्लिंग, ये काम मेरे बस का नहीं। वो क्यों? देखो डार्लिंग, तुम अगर अपने चाचा को फांसने के लिए कहते तो ये काम मैं यूं दिखा देती, लेकिन तुम तो मुझे बेटी बनाकर ले जा रहे हो, और फिर इस शहर में मेरे सैकड़ों जानने वाले, आखिर ये बात छुपी कैसे रह सकती है? अरे नहीं डार्लिंग, तुम्हें शब्बो बनकर वहाँ जाना है। वो एक देहाती लड़की है, सारी जिंदगी गाँव में माँ के साथ रही, जाहिर है जब बाप के घर आएगी तो वो किसी से नहीं मिलेगी। फिर भी ये बहुत रिस्की है। जरा सोचो डार्लिंग, अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो फिर सारी जिंदगी ऐश करोगी ऐश। हामिद इंटरप्राइजेज यही है ना? जी नहीं, हामिद इंटरप्राइजेज ये नहीं, वो सामने है। सामने? अच्छा। मगर सुनिए, आपको वहाँ क्या काम? मुझे मुझे वो हामिद साहब से मिलना है जी। मगर आप उनको शायद नहीं जानते, वरना उनसे मिलने कभी ना जाते। वो क्यों जी? बात ये कि उस फर्म की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। क्या अच्छी नहीं? मेरा मतलब है आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। अरे वाह अरे वाह, मैं ना मालूम कहाँ कहाँ से ढूंढते हुए तो यहाँ आई हूँ, अब दरवाजे पे आकर ना जाऊँ, भला ये कैसे हो सकता है? मगर अम्मा जाने दो यार, जब वो खुद जाना चाहती है तो तुम्हें क्या है? जाओ बीबी जाओ, वो सामने आया हमारे इंटरप्राइज। क्या जमाना आ गया है, अब ऐसी लड़कियां भी इन जगहों में जाना शुरू हो गई। अरे ये पर्स, वो तो यहीं भूल गई। अरे तुम कहाँ चले, ले जाएगी खुद आकर, तुम क्यों फिक्र करते हो? हम्म,
बाल तो बिल्कुल असली है, तुम लोग इसे पैक करना शुरू कर दो। उसी तरह फुटबॉल और क्रिकेट की गेंदों में भरा जाएगा बॉस। हाँ, यही तरीका सबसे ज्यादा सेफ है। दूसरे मुल्कों में हमारे स्पोर्ट्स का सामान बहुत मशहूर है, इसलिए इसके एक्सपोर्ट पर किसी को शुबा नहीं होता। और ये आपसे मिलने आई है बॉस। नहीं जी, मैं तुमसे नहीं मिलने आई, मैं तो हामिद साहब से मिलने आई हूँ। मैं ही हामिद हूँ। हामिद तो मेरा बाप है, तो उससे मेरे पियो कैसे हो सकते हो? हाँ, मैं ही हामिद हूँ, बताओ क्या काम है? अगर तुझसे हामिद हो तो मुझे कोई काम नहीं है। रुक जाओ। कह जो दिया, मुझे तुझसे कोई काम नहीं। मुझे अकड़ दिखा रही है, कौन है तू? मैं शब। यहाँ क्यों आए हो? मैंने तो कह दिया है कि मैं अपने पियो से मिलने आई थी, अल्लाह के लिए छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बहुत ये लड़की बहुत गहरी मालूम होती। ठीक है, दी है, ले जाओ इसे। अरे तेरे थी सजा दो, ये सब कुछ साफ साफ बता दे, समझे? यस बॉस, चलो मेरे साथ। कैसे लोगे? कैसे आओ सब बता दे। आदाब अंकल, कैसी तबीयत है? जिंदा। उस दिन नशे में मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। यकीन कीजिए अंकल, पहले एक भोली भाली लड़की सड़कों पर अपने बाप को पूछ रही थी। बाप को पूछ रही थी? जी हाँ अंकल, वो कह रही थी कि हामिद अली उसका बाप है। और तो तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले आए? मैं जरूर ले आता अंकल, मगर मगर क्या? मगर मुझे डर लगा अंकल कि कहीं वो लड़की फ्रॉड निकली तो आप जो मुझसे पहले ही बदगुमान है कहीं और ज्यादा नाराज ना हो जाए। अरे तुम्हारा उसके फ्रॉड से क्या ताल्लुक हो सकता है? वो तो ठीक है अंकल, मगर एक और बात भी थी। वो क्या? वो ये अंकल कि वो लड़की बिल्कुल गंवार थी, एक नंबर देहाती। मैंने सोचा वो आपकी बेटी कैसे हो सकती? अरे भाई, वो जिंदगी भर गांव में पली है, देहाती नहीं होगी तो फिर और क्या होगी? तुमने कहा वो भोली वाली है तो यकीनन हमारी शब्बो ही होगी। खुदा के लिए हमें उसके पास जल्दी ले। मैं जरूर ले चलूंगा अंकल, लेकिन प्लीज आप एक बार फिर सोच लीजिए। अजीब आदमी हो तुम, हमारी बच्ची सड़कों पर भटक रही है और तुम कैसे एक बार सोच लीजिए ले चलोगे? नहीं छोड़ेगा, नहीं करो, अंदर नहीं जाओ, मैं नहीं छोड़ेगा। मुझे नहीं छोड़ेगा। ये क्या हो रहा है? ये कौन है चौकीदार? ये चौरदन कबच्ची, अंदर जाना मत। से कौन हो तुम? ए, तू कौन आ रहा है मुझसे पूछने वाला? तू बता, तू हामिद अली है ना? कल जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। ए, तू कौन आ रहा है मेरा जिक्र करने वाला? तुझसे मैंने अपने बाप का पता पूछा था, इसका मतलब ये ना हो कि तू सारे जान में मेरा जिक्र करता फिर। मैं तो अपने बाबा को तलाश करने आई थी। ए, तेरा नाम हामिद अली है ना? हाँ, मैं नहीं हामिद अली। वही हामिद अली ना जिसकी बीवी का नाम शहनाज था और जिसकी बेटी शब्बू है ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं ही वो बदकिस्मत बाप हूँ, आ मेरे गले से लग जा। आज तुमने मुझे किस मुंह से बेटी कहा? तुम्हें क्या हक है मुझे गले लगाने का? मैं वो बदकिस्मत बेटी हूँ जो सारी जिंदगी अपनी बाप की मोहब्बत को तरसती रही, जिसने दुखों के सिवा कुछ नहीं पाया। तुम इस महल में ऐश की जिंदगी बसर कर रहे हो। तुम दो और सुबह के ये समझते हो कि मैं वो सारे दुख भूल जाऊंगी, मेरे सीने के सारे जख्म साफ हो जाएंगे। बोल। ठीक कहती, बिल्कुल ठीक कहती। मैं बुरा आदमी हूँ, बहुत बुरा। मेरी इन बुराइयों की वजह से शहनाज जैसी वफादार बीवी घर छोड़ने पर मजबूर हो गई, लेकिन इस हादसे ने मेरी जिंदगी बदल डाली। मेरी बच्ची, मेरी लाडली, जिस आग में तू और तेरी माँ जलती रही है, उसी आग फोन जरूर कर देती। मैंने उसके पर्स में घर का पता और फोन नंबर लिखकर रख दिया था। फिर क्या बात हो सकती है? बेटे मैं देख रहा हूँ तुम उस लड़की की छाल में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो। जी जी नहीं डैडी, बस पौधों में यही तो खूबी होती है कि उनके टांग नहीं होती, इसीलिए दूसरों के मामलात में टांग नहीं अड़ाते, बस अकेले मगन झूमते रहते हैं। देखो शायद कोई जनानी घंटी हो। हेलो,
जी इंस्पेक्टर शायद बोल रहा हूँ। जी वो लड़की पर्स भूल गई आपकी दुकान पर, वो लड़की कहाँ है? क्यों आई है यहाँ? बता तो रही हूँ और कैसे बताऊँ? सच सच बता लड़की, वरना ये खंजर तेरे सीने में भी कर सकता है और इस खंजर से तुम्हारी कहाँ से जारी जा सकती है। रब की सुनो, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने बाप को तलाश करने शहर आई थी, मुझे नहीं मालूम मेरा बाप कौन है कहाँ है, खुदा के लिए मुझे जाने दो। सच बोल, कौन है तू? तू ही आके बता दे।
खुद को बहुत चालाक समझती हो, गाना गाकर इन्हें बेवकूफ बना रही हो। खुदा के लिए मुझे जाने दो, अब इधर मैं कभी नहीं आऊंगी। जब तक तू ये नहीं बताएगी कि तुझे यहाँ किसने भेजा है, उस वक्त तक तुझे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो शाहिद बाबू से पूछ लो, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। कौन शाहिद बाबू? वो पुलिस में। पुलिस? हाँ, वो पुलिस में काम करते हैं। तो हमारे अड्डे की मुखबिरी के लिए तुम्हें पुलिस ने भेजा? नहीं, हाल तो मैं खुद ही हूँ, मगर गिरफ्तार किया जाता है। अगर कल रात तुझे कुछ हो जाता तो मैं तुझे इतना मारता कि सच बिल्कुल जान से मार देता। हाय, हुन मार दे। खड़ी क्या करें, आओ ना, चलो। मुबारक हो हामिद, मुबारक। भैया बल्कि सब कुछ आपकी दुआओं का नतीजा है। अरे मगर वो हमारी रानी बेटी है, कहाँ दिखाओ तो उसे। हाँ रहमत, शप्पो से कहो जाकर के अपने ताया अब्बा से आकर मिल ले। यहाँ आप क्या कर रही हैं बिटिया? सरकार आपको याद कर रहे हैं। ओह, मैं इस तस्वीर को देख रही थी बाबा। ये किसकी तस्वीर है? आप इस तस्वीर को नहीं पहचानती? अगर पहचानती होती तो पूछती क्यों। ये आपकी अम्मी की तस्वीर है बेटे। ओ अम्मी। हाँ, इनके साथ तो आप जिंदगी भर रही हैं, इनको भी नहीं पहचानती आप? ओह हाँ हाँ, ये अम्मी की तस्वीर है, लेकिन ये शायद जवानी की तस्वीर है। मैंने तो अम्मी को बुढ़ापे में देखा था ना, इसलिए नहीं पहचाना, वरना क्यों मैं पहचानती। भैया सोचा था शब्बो के आने से मुझे कुछ सुकून मिल जाएगा, लेकिन उसके आने के बाद बेचैनी और बढ़ गई। भाई ये बेचैनी बढ़ना गलत है। अभी आप खतरे से बाहर नहीं है? अरे बेटी झिझकती क्यों हो, इनसे मिलो, ये तुम्हारे ताया अब्बा है, सलाम करो। पापा भी कमाल आदमी है, दरअसल नशे में उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं।
महबूब ठीक कह रहा है बेटी, तुम भैया की बात का बुरा मत मानना, वो तो अजीब मूडी आदमी है। मगर मैंने तो वही किया है पापा जिसमें सबकी बेहतरी है। सबकी नहीं, सिर्फ तुम्हारी है। क्यों अंकल की नहीं? मेरे डॉक्टर से तो पूछिए उसके मिलने के बाद वो किस कदर संभल गए। मगर मैं इतना बड़ा धोखा हामिद को नहीं दे सकता, मैं अभी जाकर सब कुछ उसे बता दूंगा। पापा मेरी बात सुनिए प्लीज। जाओ तो डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आज आप बहुत चेतवाती हैं और रोना भी चाहिए। बेटे के मिल जाने से आपके भाई को नई जिंदगी जो मिली। डॉक्टर साहब अगर किसी वजह से शब्बो फिर से बिछड़ जाए, या मेरा मतलब है कि ऐसा हो जाए जैसे वो मिली ही नहीं, तो क्या अंकल को सदमा नहीं होगा? जरूर होगा, अगर खुदा ना खासा ऐसा हुआ तो शायद वो जिंदा भी ना बचे। नहीं डॉक्टर, ऐसा ना कहो डॉक्टर, ऐसा ना कहो। आप फिक्र क्यों करते हैं, अब तो वो मिल गई है। हाँ डॉक्टर, अब तो वो मिल गई। मगर ये है क्या? स्लो वॉइस, ये आदमी को आहिस्ता आहिस्ता दो तीन महीने के बाद खत्म कर देता है। ओह नो, मैं इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकती। करती क्यों हो डार्लिंग, अंकल तो पहले ही दिल के मरीज हैं, उनके मरने पर तो किसी को शुभ नहीं हो सकता। ये दूध पापा के लिए है ना? जी हाँ बिटिया। लाओ मुझे दे दो, ऐसे दूध पापा को मैं दिया कर। जीती रहो, अल्लाह आपको खुश करके, आपकी इस मोहब्बत से मालिक जरूर अच्छे हो जाएंगे। नहीं नहीं हामिद, तुम अभी विरासत का ऐलान मत करो, ये ऐलान तुम्हें बहुत सोच समझ के करना होगा। अब सोचना समझना क्या किया, शब्बो आ ही गई है इस घर में और फिर ये सब कुछ उसी का तो है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कहीं जायदाद भागी तो नहीं जा रही। चलिए आप कहते हैं तो कल ऐलान नहीं करते, रुक जाते हैं कुछ दिन, फिर कभी सही। ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूँ। कुछ नहीं, पापा का दूध गिर गया, मैं और लेके आती। इसकी जरूरत नहीं बेटी, तुम आ गई हो, अब हम दूध के बगैर ही सेहतयाब हो जाएंगे। अब हमारे पास बैठो। शब्बुरानी, तुम्हारे आने की खुशी में कल हम एक बहुत बड़ा जश्न मना रहे हैं और उस जश्न में शहर के तमाम मुअज्जिन को बुलाया जाएगा ताकि वो हमारी बेटी से मिल सकें, ठीक है ना? नहीं पापा नहीं, प्लीज ऐसा ना कीजिएगा। क्यों? वो पापा बात ये है दरअसल कि बहुत सारे लोग होंगे तो मेरा दम घुटेगा। अरे नहीं, वहाँ सिर्फ जितने भी लोग होंगे बहुत अच्छे होंगे। लेकिन पापा मैं दुनिया में आपके सिवा किसी भी चीज को नहीं चाहती पापा। ओ मेरी लाडली, अच्छा हम देख तेरी इतनी बात मान लेते हैं कि कल हम सिर्फ अपने खास खास दोस्तों को बुलाएंगे, ठीक? डैडी दूसरा बात हुई करे। आज तो शहनाई बजाते हुए दाखिल हुए हो बेटे, बहुत खुश हो, क्या बात है? जी डैडी, मेरी तरक्की होगी, मैं डीएसपी बन गया। बहुत खुशी हुई बेटे, मगर तरक्की पाकर अपना फर्ज ना भूल जाना, ऐसा ना हो कि सरों के दरख्त की तरह सर तो ऊंचा हो जाए लेकिन उसमें फ्रूट ना लगे। बगैर फ्रूट के दरख्त को लोग पानी को भी नहीं पूछते। आप फिक्र ना करें डैडी, ऐसा कभी नहीं होगा। शब्बो, ए शब्बो, यहाँ क्या पड़ी है? चल उठ, आइसक्रीम खाने चल रहे हैं हम लोग। अरे क्या हुआ तुझे? समझी, अब वो याद आ रही है। तो प्रैक्टिस में रोने की कौन सी बात है, वो तो मिल ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। फिक्र क्यों करती है शब्बो, चल आज जल्दी जल्दी। अमा मियाँ, तुम्हारे तो सर तक के बाल सफेद हो गए। अरे साहब, कमाल की बात तो ये है कि हमें यही नहीं मालूम कि इस दावत का सबब क्या है। आप लोगों को मालूम है जी? नहीं, नहीं मालूम।
आपको तो मालूम होगा। यकीनन हमें मालूम है। हम अभी आपको उस सबब से मिलवा देते हैं। महबूब ये शबनम को बुलाओ। दरअसल हमारी बेटी बरसों बाद अपने घर लौटी है, तो हम चाहते थे कि उससे आप सब हजरात की मुलाकात करवा दें। लीजिए वो आ गई। आओ बेटे आओ। देखिए साहब, ये है हमारी बेटी शबनम। और शबनम बेटी ये अपने प्रोफेसर साहब हैं, बहुत दिलचस्प आदमी है। जी तीनों तायाब बात है तो तुम मिल ही चुकी हो। ये है हमारे लीगल एडवाइजर और वो है अपने डॉक्टर साहब, उनको तो तुम अच्छी तरह जानती हो। पापा अब मैं अपने कमरे में जाऊं? हाँ तुम जाओ। थैंक यू। कैसी लग रही हूँ? शोला इरादे क्या है? यही कि आज खुद भी चलूंगी और तुम्हें भी चला दूंगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि जैसे तुमने मुझे इस घर में लाके कैद किया है, उस दिन से लेके आज तक मैं शरीफों की एक्टिंग करते करते बोर हो गई। माय पुअर पुअर डार्लिंग, आज तुम भी साथ हो और रात भी बाकी है। सब घर वाले नीचे बिजी, क्यों ना हम इस वक्त का फायदा उठा लें। बाकी है।
प्रोफेसर मजीद बोल रहा हूँ मियाँ, हैं? निस्वार खींच रहे हैं क्या? हेलो, देखिए प्लीज रे नजमा को बुला दीजिए, मैं उनकी फैमिली बोल रही हूँ। जी सर, आवाज खराब है, नर्वस हो रहे हैं। थैंक यू। अरे भाई नजमा, फोन है तुम्हारा। कौन है डैडी? कोई सहेली है तुम्हारी। बड़ी खरज है तुम्हारी सहेली की आवाज। रिसीवर तो दीजिए। हेलो, कौन बोल रही है? आपका मंसूर जो मुस्तकिल सूली पे लटका हुआ है। वो मैं काम करेगी, फिर बात करना। हाँ हाँ हाँ, शाम को। वो भी यहाँ है। मैं जरा दो बातें मंसूर से कर रही हूँ। देख, चाहिए मत। अच्छा अच्छा, तू जाते सही। आखिर यूँ छुप छुप कर हम कब तक मिलते रहेंगे? ऐसा मालूम होता है कि हम प्यार नहीं कर रहे हैं, कोई साजिश कर रहे हैं, कोई जुर्म कर रहे हैं। बस थोड़े दिनों की बात है मंसूर। भैया की बात नहीं, तो उसके बाद में बताऊंगी। फिर तुम अपनी मम्मी को मेरे डैडी के पास लेकर चले आना। अजी हो तो लेके आ जाऊंगा, फिर तो आइए जरा। देखिए क्या करते हो भैया, डैडी ने देख लिया तो? हाँ, तो क्या होगा? मंसूर जाओ ना, जाओ ना। वो हर वक्त घर ही में रहती है, न किसी से मिलना न जुलना। मैं तो खासा परेशान हो गया हूँ। मेरे जहन में बस एक ही तरकीब आई है, और वो ये कि मैं उसकी जल्द कहीं शादी कर दूँ। अरे भाई, ये दोनों बूढ़ों में से कौन शादी कर रहा है? आइए आइए प्रोफेसर साहब, बैठिए बैठिए। कहिए कैसे रास्ता भूल गए आज? भाई वो शाहिद को गवर्नमेंट ने इनाम दिया है और तरक्की देकर उसे DSP बना दिया, तो हमने सोचा कि इस खुशी के मौके पर दोस्तों को भी लपेट लें। ये आपके आइडेंटिटी कार्ड है। शुक्रिया शुक्रिया भाई। वो इंस्पेक्टर शाहिद जिसका आजकल अखबारों में चर्चा है, वो तुम्हारा बेटा है? क्यों नहीं होना चाहिए था क्या? ये मेरा मतलब नहीं है, मुझे तो हैरत हो रही है कि बॉटनी के प्रोफेसर का बेटा और इतना जबरदस्त पुलिस इंस्पेक्टर। कमाल है भाई। चलिए साहब, आप हमसे मुतासिर नहीं हुए, मगर हमारी औलाद है नरीना से तो मरूब हैं। मरूब नहीं प्रोफेसर, रश्क आ रहा है। काश कुदरत ने ऐसा बेटा हमें भी दिया होता। भैया ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर। शेख साहब, अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारा बेटा भी हो सकता है। क्या मतलब? अरे भाई, तुम एक बेटी के बाप हो ना? हाँ हूँ, मगर मगर क्या, तुम अपनी बेटी हमें दे दो और हमारा बेटा तुलवा कर तुम ले। यानी तुम्हारा मतलब है? हाँ, मेरा मतलब यही है, हमें तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। अरे अरे प्रोफेसर, तुमने हमारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अभी मैं और भैया यही जिक्र कर रहे थे। चश्मा चश्मा गिर जाएगा भाई। मैं जाता हूँ, तुम हामिद को जाकर सारी हकीकत इसी वक्त बता दो, इसलिए कि ये बात अब घर से निकलकर बाहर तक जा पहुंची है। अगर तुम नहीं गए तो याद रखो, मैं खुद जाकर हामिद को सब कुछ बता दूंगा। मगर आपने शायद ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। अव्वल तो अंकल को यकीन नहीं आएगा, और अगर यकीन आ भी गया फिर वो जिंदा नहीं रहेंगे।
फिर यहां क्यों खड़े? जाइए और जाकर उनको बता दीजिए। खुदाया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं शब्बो को खुद तलाश करूंगा। मैं खुद तलाश करूंगा। बाबूजी, तू कितना अच्छा है। तूने मेरे सारे दुख भुला दिए हैं। वरना मैं सोचती थी कि अगर आप मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। अब क्या सोचती हो? अब तो मैं चलो नहीं बताती। तो बताए या ना बताए, लेकिन मैं जानता हूं। क्या जानते हो तुम? यही कि तू हर वक्त अब मेरे बारे में सोचती रहती है। सोचती है ना?
कहा था ना, हाँ हाँ, मगर रात को, हाँ रात को। किसका फोन? पता नहीं भैया, बार बार रिंग होती है, जब उठाती हूँ तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप कुछ परेशान है भैया? प्रॉब्लम क्या है बताइए, बताइए ना। नचो, मेरा काम कर। क्या? डैडी को रजामंद कर। किस बात पर? मेरी और शबनम की शादी का ऐलान कर दो। ना बाबन। नचो प्लीज। डैडी से आप खुद ही कह दीजिए ना। मैं डैडी से नहीं कह सकता। अरे भाई, क्या डैडी से नहीं कह सकते? डैडी? हाँ हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा डैडी, कहो। बात यह है कि वो सर में जुएं पड़ गई हैं। ऐसा करो, थोड़ा सा मिट्टी का तेल उसमें डेटॉल डाल के और शैम्पू कर लो। नहीं डैडी, मैं वो हो गया हूँ। तुम वो हो गए हो? डैडी प्लीज, तुमने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हम तुम्हारी शादी करना चाहते थे। जी किससे? उसी से जिसे हम चंद दिनों से जानते हैं, जो हमें बहुत पसंद है, मगर तुम तो वो हो गए हो। ओफो डैडी, मेरा मतलब मैं जवान हो गया। अच्छा, तो तुम्हारी शादी कर दें? जी जी हाँ। लड़की तुम्हें पसंद है? जी बहुत। निभा लोगे? जी इंशाल्लाह। तो फिर हम कल ही तुम्हारी मंगनी का ऐलान करे देते हैं और आज ही सूफी साहब को इत्तला करे देते हैं। कौन सूफी साहब? अरे भाई, वही सूफी इंडस्ट्रीज के मालिक। क्यों, तुम्हारा रंग पीला क्यों पड़ गया? डैडी, उनकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। क्या तुमने उसका कोई स्कैंडल सुन लिया? ये बात नहीं, मेरी जिंदगी, मेरी आरसू, मेरी तमन्ना शब्बो है। कौन शब्बो? वो जो हमारे घर में रहती है? जी वही, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो गोया तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो जिसे ये भी नहीं मालूम कि उसका बाप कौन था, और जिसे ये भी खबर नहीं कि उसके बाप ने उसकी माँ को क्यों छोड़ा था। इन बातों से क्या फर्क पड़ता है डैडी? शब्दन मेरे ख्वाबों का मरकज है, मेरी जिंदगी है। मगर हम सूफी साहब को जबान दे चुके हैं। लेकिन मैं आपके किसी कौल का पाबंद नहीं हूँ। मैं आपकी छोटी अन्ना के लिए अपनी सारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं शबनम के बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम उस लड़की के बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। क्या तुम पूरे एतमाद से कह सकते हो कि तुम उसकी जिंदगी में तन्हा मर्द? डैडी, मैं आपके मुंह से उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। तो फिर ठीक है, जाओ और ठंडे दिल से हमारी बातों पर गौर करो और फिर फैसला करो कि हम दोनों में से तुम किसका इंतखाब करना चाहते हो, उस बाप का जिसने मां बनकर तुम्हें पाला और दोस्त बनकर तुम्हारी रहनुमाई की, या उस लड़की का जो खिजाओं में टूटे पत्ते की तरह हवा में उड़ती फिरती है, कि तुम उसकी जिंदगी में तन्हा मर। तो गोया तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो जिसे यह भी नहीं मालूम कि उसका बाप कौन था, और जिसे यह भी खबर नहीं कि उसके बाप ने उसकी माँ को क्यों छोड़ा था। बड़ी देर लगा दी, एक घंटे से इंतजार कर रहा हूं। शायद रोशनी करके मैंने अच्छा नहीं किया, इसीलिए अंधेरों में एक दूसरे से निपटने वाले रोशनी देख के डर गए। ये तुम क्या कह रहे हो शायद बाबू? मैं तो इनको जानती भी नहीं।
कई लोगों को झूठी मोहब्बत का फरेब दे रखा हो तो अचानक पकड़े जाने पर इसी किस्म की तर्दीद की जाती है। शायद बाबू वो शायद मर चुका जो ये गलत फहमी लिए बैठा था। मैं शब्बों की जिंदगी में पहला मर्द हूं। आज एहसास हुआ कि हर कोने में अंधेरा और इस अंधेरे में कुछ पाए तो हर इंतजार करती है। ये झूठ है। मेरी आंख से पट्टी उतर चुकी है। अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। चोट तो नहीं लगी आपको? चोट और की चोट लगेगी। आप घबराइए नहीं। मैं नजमा को बुलाकर शाहिद साहब की गलतफहमी दूर कर देता हूँ। नहीं खुदा के वास्ते इस वक्त इनसे कुछ न कहिए। मैं तो पहले ही घर छोड़कर जा रही थी। चंगा हुआ कल ही मुक गई। मैं आसानी से जा सकती हूँ। मिलेगी कभी तो खुशी चलते 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 डांट रही हो बेटी? चोट तो नहीं लगी? खून को बह जाने दीजिए सिर साहब। बेकार और बेहिस खून? जी हाँ, जो अपने असल को न ढूंढ सके वो खून बेकार और बेहिस नहीं तो और क्या है? मैं समझा नहीं बेटी, तुम कहना क्या चाह रही? कुछ नहीं सिर साहब। तुम हमें बताओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कहाँ जाओगे तुम बेटी? कहाँ जाऊंगी? अगर मैं ये जानती तो फिर सड़कों पर क्यों भटकती फिरती? ओह क्यों बेटी, हम इसे अपने साथ रख लें। तुम्हारा काम भी कर दिया करेगी और तुम्हारी कंपनी भी हो जाएगी। ठीक है पापा, एज यू लाइक। गुड। क्यों बेटे, नौकरी करूंगी? नौकरी कर लूंगी, जरूर कर लूंगी। तो फिर आओ। तुम क्यों ले आई? तुम्हारे तो चोट लगी है, तुम्हें दो एक दिन आराम करना चाहिए। आपकी खिदमत ही तो मेरा आराम है बाबू जी। बहुत फरमा बरदार। क्या नाम है तुम्हारा? ना तो शबनम है, पर माँ मुझे
शब्बो कहती थी। अजीब इत्तेफाक है, हमारी बेटी का नाम भी शब्बो है। क्या तुम्हारी माँ नहीं है? माँ उन्दी तो इस तरह क्यों भटकती फिरती बाबूजी? उसने तो शब्बो रानी को कलेजे से लगा रखा था, वो चली गई तब तो दर दर की ठोकरें मेरा नसीब बन गई। बहुत अफसोस है बेटी। आप क्यों अफसोस कर रहे हैं बाबूजी? इसमें आपका क्या कसूर है? कसूर तो मेरे बाप का है, जिसने जिंदगी भर मेरी माँ को ना पूछा। काश वो मुझे मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि उसने मुझे पैदा क्यों किया, और जब पैदा ही किया था तो फिर छोड़ क्यों दिया। हमें तुम्हारे हालात सुनकर बहुत दुख हुआ है बेटी। हम तुम्हारे बाप को तो शायद तुमसे नहीं मिला सकते, लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं, और वो ये कि तुम इस घर को अपना ही घर समझो। बाबूजी आप कितने अच्छे हैं बाबूजी, काश मेरा बाप भी आप जैसा होता। डार्लिंग दूध तो मैं रोजाना दे रही, लेकिन उस बुढ़े पे असर ही नहीं होता। क्या मतलब? रोज डबल कर दूं? ओ आई सी, ठीक है आइंदा से दो कर दे। ओके डार्लिंग, बाय बाय। तुम बहुत निकम्मे हो गए हो। तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त पापा को दूध दिया जाता है? जाओ दूध लेकर आओ। दूध तो सरकार को दे दिया गया है। क्या मतलब? वो जो नई लड़की आई है ना, वो ले गई है। ये मजाक, देख लेती हूँ उसे भी। क्यों रे जली, तुम इस घर में मेरी जगह लेना चाहती है? किसी की जगह लेने से जगह थोड़ी मिल जाती है। कमीनी, अब तू मेरे सामने जबान भी चलाने लगी, अपनी औकात भूल गई। पापा ने तुझे नौकरी क्या दे दी? तेरा तो दिमाग खराब हो गया। हाँ, आइंदा से तू फर्ज धोएगी, सफाई करेगी और मेरी टांगें दबाएगी। बस कान खोलकर सुन ले, अगर भूल कर भी आइंदा तूने पापा के कमरे में पाँव रखा तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी, समझी? जब तक मैं ना बुलाऊं मत आना। उधर नहीं, इधर। जेलिस? जी नहीं, मैं नहीं, आप। क्या मतलब? मतलब यह है डार्लिंग कि इस शहर के सबसे ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट डीएसपी शाहिद से मेरी शादी हो रही है। ओह नो। ओह यस, ये रिश्ता तय हो चुका है और पापा कल फंक्शन में इस एंगेजमेंट का ऐलान करने वाले हैं। मगर डॉली प्लीज किसी तरीके से इसे रुकवा लो। लेकिन वो कैसे डॉली? वो तुम किसी तरीके से इस मंगनी को पोस्टपोन करवा के सिर्फ अपनी विरासत का ऐलान करवा लो। सुनो भाई जी। वो यहाँ एक माई रहती हैं। ओ जी, ओ मासी। हाँ वही वही। पर वो तो दूसरे गाँव गई अपनी बहन से मिलने। कब आएंगी वापस? पता नहीं जी, हो सकता आजकल ही आ जाए, हो सकता महीना पड़ना है। अच्छा, उन्हें मेरा एक पैगाम दे देना, उनसे कहना शब्बू अभी तक अपने बाप के घर नहीं पहुंची है, उसकी तलाश में उनकी मदद की जरूरत है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वो इस पते पर पहुंच जाए। अरे
तू कहाँ थी सुबह से बेटी? सरकार भी पूछ रहे थे। सरकार पूछ रहे थे? हाँ। कहाँ है सरकार? अंदर है। रुक क्यों गई? जाना बेटे। नहीं बाबा, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं अंदर जाऊंगी तो बेगम साहब गुस्से होंगी। अरे नहीं, उस रोज बिटिया ने तो यूं ही कह दिया था, तू फिक्र न कर। अच्छा ऐसा कर, ये लेकर चलिए। हाँ हाँ चलिए। भाई मंगनी का ऐलान तो फंक्शन में हो ही जाएगा, लेकिन एक बात तो बताओ, शायद से पूछ भी लिया है, उसे कोई एतराज तो नहीं है? भाई उसे एतराज है। हाँ, वो कह रहा था कि ये मंगनी की क्या जरूरत है। अरे भाई जो कुछ होना है वो हो, हुआ क्यों नहीं जाता? अरे ये लड़की ये यहाँ क्या कर रही है? आप जानते हैं इसे? अरे साहब ये तो माशाल्लाह बहुत ही आवारा और बदमाश किस्म की चीज है। आवारा और बदमाश और ये लड़की? नहीं नहीं बराबर। यकीन नहीं आया आपको? बस यही इसका कमाल है, ऐसी मजलूम बन जाती है कि सामने वाला धोखा खा जाता है, और फिर ऐसा चक्कर चलाती है, ऐसा चक्कर चलाती है कि पूरा घर तबाह हो जाता है। सूरज चमेली जैसी और सीरत नाग फनी जैसी, खुदा इसके कांटे से महफूज रखे हर नौजवान को। शबो बेटी, इस तूफान में कहाँ जा रही हो? जिथे किस्मत ले जाएगी। बिटिया ने कुछ कह दिया क्या? नहीं बाबा। तो फिर क्यों जा रही है? कोई वजह तो होगी। मेरी बदकिस्मती कम वजह है बाबा। लेकिन बेटी बात तो सुनो। खुदा के लिए बाबा मुझे मत रोको, अब मैं इस घर बीच नहीं रह सकती। अच्छी बात है बेटी, तू जाना चाहती है तो जा, लेकिन इस तूफान में कैसे जाओगी? थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तूफान थम जाए तो चली जाना। नहीं बाबा, ये तूफान नहीं थामेगा, बल्कि अगर मैं रुक गई तो तूफान और बढ़ जाएगा। बाबा बाबा ये तस्वीर यहाँ कैसे आ गई? आई कहाँ से? ये तो हमारी मालकन की तस्वीर है। मालकन? हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी माँ की तस्वीर है। तुम्हारी माँ की तस्वीर? हाँ मेरी माँ शहनाज बेगम की तस्वीर है। शहनाज बेगम तुम्हारी माँ? तो तुम कौन है? मैं शबनम हूँ, शब्बो रानी। तो क्या तुम गाँव से आई हो? हाँ, मैं अपने बाप को ढूंढने आई हूँ। मेरी माँ ने मरते वक्त यही दसिया सी, उनकी शहर में दुकान है, हामिद अली मेरे बाप का नाम है। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये तुम्हारी माँ की तस्वीर है? हाँ बाबा, यही मेरी माँ है। क्या बेटी अपनी माँ को भी नहीं पहचानेगी? अरे मैं तो सारी जिंदगी इनके साथ रही हूँ, मैं अपने बाप को नहीं पहचानती। बाबा एक गल तो दसो, जब ये तस्वीर तुम्हारे पास है तो फिर तुसे मेरे बाप को तो जरूर जानते होगे। मैं इस तस्वीर को देख रही थी बाबा, ये किसकी तस्वीर है? आप इस तस्वीर को नहीं पहचानती? दसो ना बाबा, तुम मेरे बाप को जानते हो? हाँ बेटा जानता हूँ, हमारे सरकारी तुम्हारे अब्बू हैं, तुम्हें हमारी मारकर। हाँ शबो बिटिया। बेटी
कहीं पापा। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। हमारा बस चले तो हम तुझे सारी जिंदगी अपने से जुदा ना करें, लेकिन लड़की को एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है, और फिर शाहिद बहुत अच्छा लड़का है। जाइए हमारी आपसे कुट्टी। अबू जी। ओहो, क्या बात है? अबू जी, मैं शब्बो हूँ, आपकी शब्बो रानी। हाँ, हमें मालूम है कि तुम शब्बो हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम। मेरा नाम शब्बो नहीं, मैं शब्बो रानी हूँ, आपकी बेटी। अबू जी, इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, मैं आपकी असली बेटी हूँ। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो आप रहमत बाबा से पूछ लीजिए। हाँ सरकार, यही आपकी असली बेटी है। क्या बकते हो? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया या तुम हमें पागल समझ रहे हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, हम अपनी बेटी को नहीं पहचानते? हमारी बेटी अभी हमसे मिलकर गई। और तुम? सरकार, वो आपकी बेटी नहीं है, वो शराब पीती है, महबूब मियां के साथ नाचती है, वो आवारा है, वो कोई बदमाश लड़की है। नमक हराम। सरकार, आप मुझे और मारिए, मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन खुदा के लिए मुझे नमक हराम न कहिए। मैं आपको सच कह रहा हूँ, यही आपकी असली बेटी है और यही आपकी सही वारिस है। वारिस? तो ये ढोंग रचाया है तुम लोगों ने? इसका मतलब है प्रोफेसर साहब सच कहते थे, ये वाकई नागफनी है और इसकी जहरीली साजिश में तुम भी शरीक हो गए। तुम जो हमारे बरसों के नमक खराब, ये सब कुछ भूलकर इस जहरीली नागर की साजिश में शरीक हो गए हो, जो इतनी कमीनी है कि अपने मोहसिन को इज्जत लेना चाहती। हमने इसे सहारा दिया, हमने इसे पना दिया और ये अब हमारे ही घर में आग लगा रही है। ऐसा नहीं कहिए सरकार, ये बिचारी तो आपकी मोहब्बत को तरसती है। खुदा के लिए इसे एक बार अपने सीने से लगा कर देखिए, आपको खुद ही यकीन आ जाएगा कि ये आपकी बेटी है। लोग इस तरह नहीं मानोगे, निकल जाओ नमक हराम हो। सरकार, निकल जाओ यहाँ से, बात बंद करो, पता हो जाओ। सरकार, भी निकल जाओ यहाँ से, सरकार पता हो जाओ। क्या कह रही हो डार्लिंग, कोई और शब्बो पैदा हो गई? अच्छा, वो नौकरानी, फिर क्या हुआ? निकाल लिया। थैंक गॉड। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। सुनो डार्लिंग, तुम आज ही वरासत का ऐलान होने के बाद अंकल को पूरा डोज दे डालो, समझ गई ना? क्या कहा शोभा? अरे नहीं भाई, और अगर हो भी तो क्या फर्क पड़ता भाई, अंकल की दौलत हमारे कब्जे में होगी और फिर रुपया पास हो तो हर गुनाह पर पर्दा डाला जा सकता है। हामिद की जिंदगी के लिए नहीं, दौलत पर कब्जा करने के लिए भेजा है। तुम इतने जलील हो सकते हो, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। कमाल करते हैं पापा आप भी, सारी दुनिया से करना चाहती। अगर आपका बेटा चाहता है तो क्या बुरी बात है। पापा बंद करो और इसी वक्त जाकर उस लड़की को वापस लेकर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। सारी पापा, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। मेरा प्लान बिल्कुल सच है और मैं इसे आखिरी लम्हे में नहीं बदल सकता। तू अगर अपना प्लान नहीं बदल सकता तो याद रख, पुलिस तेरा प्लान जरूर बदलवा देगी। पुलिस? मगर पुलिस को मालूम कैसे हो? मैं बताऊंगा, इसी वक्त जाकर मैं पुलिस को एक एक लफ्ज बता दूंगा। आप अपने बेटे के खिलाफ, अपने खून के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करेंगे? हाँ जरूर करूंगा। तू अगर अपने चचा की जान लेने का मंसूबा बना सकता है तो तेरा बाप तेरे खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं करा सकता? बोल। अगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा पापा, ये बात है तो मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो 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 हेलो। अब तुम उस वक्त तक यहीं बंद रहोगे पापा जब तक सब काम ठीक नहीं हो जाता। बाबा, ये तुम मुझे कहाँ लाए हो? मैं तुम्हें बड़े सरकार के पास लाया, तुम्हारे तायाबू के पास। हाँ, मालिक इनकी हर बात मानते हैं, हम इन्हें कायल कर लेंगे तो मालिक को समझा लेंगे। हाँ मैं बाबा,
मगर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अब क्या होगा बाबा? कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। आओ बेटे, आओ मेरे। रिहर्सल कर रही थी। जरी आप मुझे खामखा कह रहे हैं, वो तो भैया ने देर की है। सही, उसका तो नफरों का दिन है, मगर तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हारा जब दिन आएगा भाई तुम भी कर लेना नखरे। यार प्रोफेसर साहब, भैया नहीं आया अभी तक। कौन से भैया? अरे महबूब, भैया कहाँ? जी मालूम नहीं, वो शायद कहीं बाहर गए। तो फिर तुम इतने शर्मिंदा क्यों हो इस बात पे? खवातीन व हजरात, आज आपको जो यहाँ आने की जहमत दी गई है उसके दो वजूहात। पहली वजह तो ये, जिसके बारे में आपको आमिर अली साहब बताएंगे, और दूसरी वजह बाहर जाने दीजिए, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। खवातीन व हजरात, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी बेटी शबनम बरसों की जुदाई के बाद मुझे फिर मिल गई, इसलिए मैं ये ऐलान करता हूँ कि मेरी तमाम जायदाद, माल व असबाब और कारोबार की वारिस मेरी बेटी। हामी, भैया क्या हो गया आपको? भैया ये जख्म कैसे आए? ये जख्म नहीं हामिद, ये तो वो इनाम है जो मेरे बेटे ने मुझे दिया है। आपके बेटे ने? हाँ, मेरी जगों में लहू के साथ शराब भी दौड़ रही थी ना, उसी शराब और गंदे खून ने मेरे माथे पर ये तमगे सजाए हैं, ताकि मैं दुनिया को ये ना बता सकूं कि मेरा बेटा एक साजिशी है। साजिशी? हामिद, ये लड़की, ये लड़की जिसे तुम अपनी बेटी समझ रहे हो, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये एक आवारा लड़की है। हम ही आवारा लड़की। भैया क्या आप अपने होश हवास खो बैठे? आप भरी महफिल में मेरी बेटी? ये तुम्हारी बेटी नहीं है हामिद, ये तो औरत का वो खिलौना रूप है जो महबूबा और दाश्ता तो हो सकता है, लेकिन माँ बहन और बेटी के मुकद्दस रिश्तों में कभी नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी तो फरिश्तों की तरह मासूम है हामिद। शबो बेटी, अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ। तो आप इसे मेरी बेटी समझ रहे हैं? हाँ, यही तुम्हारी बेटी, तुम्हारी असल वारिस। वारिस? तो इस मक्कार ने नमक हराम रहमत के साथ मिलकर आपको भी शीशे में उतार दिया है। ये मेरी बेटी नहीं है भैया, बल्कि ये वो मक्कार और साजिशी मुलाजमा है जिसे मैं घर से निकाल चुका हूं। साजिशी ये नहीं हामिद, साजिशी ये दोनों है, ये तो फूलों की तरह मासूम है। माफ कीजिएगा, आप इस लड़की को कब से जानते हैं? जानता तो मैं आज ही से हूं, लेकिन लेकिन मैं इसे उस दिन से जानता हूं जिस दिन ये शहर में आई थी। ये मक्कार और अमा लड़की है। शाहिद बाबू, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? सच, सच ये है कि मेरे बेटे ने तुम्हारी दौलत पे कब्जा जमाने के लिए ये ढोंग रचाया है। पापा, बगैर किसी सबूत के आपने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, हालांकि अंकल खुद जानते हैं कि शब्बा को इस घर में लाने में मेरा कोई हाथ नहीं। हामिद कुछ नहीं जानते, ये साजिश तुमने की है और इसे मैं बहुत पहले से जानता हूँ। अगर आप पहले से ही जानते थे तो ये बात आपने आज तक अंकल को क्यों नहीं बताया? कि डरता था, हामिद दिल के मरीज है, इन्हें कुछ हो ना जाए, और आज आपने ये राज भरी महफिल में खोल दिया। आखिर क्यों? आपका ख्याल बदल गया है या आज आप अंकल को ये सदमा जरूर पहुंचाना चाहते हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं पापा, कि पहले आपको यकीन था कि अंकल के मरने के बाद ये सारी जायदाद आपको मिलेगी, मगर शब्बो के इस घर में आने से आपकी उम्मीद ने दम तोड़ दिया, और जिस दिन से वो यहां आई है उस लम्हे से आप उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। आप ये भी चाहते थे कि विरासत का ऐलान ना हो, लेकिन जब आपको उसमें नाकामी हुई तो आपने रहमत और उस लड़की को साथ मिला दिया। भैया इसे बाद में मारिएगा, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आइए भैया, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं?
एक बार पहले भी आपने मेरे घर को बर्बाद किया था और अब फिर मेरे घर को उजाड़ने पर तुल गए। आखिर क्यों? क्या दौलत इंसान को इस कदर घटिया बना देती है कि खून खून के रिश्तों को फरामोश कर देता है? क्या लालच इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देती है कि भाई भाई के घर को उजाड़ने पर तुल जाता है? अगर आपको दौलत चाहिए थी तो मुझे बताया होता। बताइए आपको क्या चाहिए? ये घर बार दौलत जायदाद कारोबार सब कुछ ले लीजिए भैया, अगर खुदा के लिए मेरे घर को बर्बाद मत कीजिए। मेरी मासूम बच्ची पर तोहमत मत लगाइए और इस मक्कार को मेरी बेटी कहकर मेरी आंखों में धूल मत झोंकिए। हामिद, शराब पीकर तो हमेशा मैं बहकता था, आज तुझे क्या हो गया? तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे नादान, ये जायदाद तो क्या, कोई मेरी झोली में चांद और सूरज भी डाल दे तो भी मैं तेरे लिए कोई बुरी बात नहीं सोच सकता। अगर तुझे उजड़ना नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? मार अपने पांव पर कुल्हाड़ी, मान ले इन कमीनों की बात, ऐलान कर दे अपनी विरासत का। मैं शब्बो को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और फिर तुझे कोई मशवरा तो क्या, बद्दुआ भी नहीं दू, बद्दुआ भी नहीं दूंगा। सुनो शब्बो, और क्यों बुलाया है तुझे मुझे? क्या काम है तुम्हें मेरे साथ? आती है वो मेरी बीबी थी। तू चंगी तो है? हाँ जी, मैं बहुत चंगी हूँ। हाय हाय, मुझे तो मालूम हुआ था कि तू गुम्मी हो गई है। मुझे झूठा बनाने वालों, देखो मेरी सच्चाई का सबूत खुदा ने खुद यहाँ भेज दिया। यह है शहनाज की पड़ोसन जिसकी गोद में शब्बो पलकर जवान हुई है। इससे पूछो कि शब्बो कौन है? हाँ मासी, मासी बता दो शब्बो यही है ना? अरे सेठा, तू तो कैसा बाप है, अपने खून को नहीं पहचानता, मुझसे पूछे है? ये ले देख अपनी ती और बीवी की फोटो। मासी, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। मेरी माँ मर गई, माँ के साथ मेरे सारे रिश्ते मर गए। चल मासी, वापस भी चलिए, चल देर ना कर। शब्बो बेटी, रुक जाओ बेटा, अगर तुम चली गई तो हामिद मर जाएगा बेटा। नहीं आया हूँ, उनकी बेटी मौजूद है, उन्हें मेरी क्या जरूरत है? ये तू मुझे कैसी खबर दे रहा है? ये तूने मेरी आंखों पर कैसे पर्दे डाल दिए? मैं किस जबान से इसे बेटी दूं? मेरे बोला ये शानो शौकत, ये मानो दौलत सब कुछ वापस ले ले, सिर्फ मुझे वो जबान दे दे जिससे मैं इसे बता सकूं कि मेरी बच्ची मैंने तुझे ठुकराया था तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुझी से मोहब्बत करता था। तेरी मोहब्बत के सामने दुनिया की हर चीज झूठी है मेरी बच्ची। मेरे मौला, इस बदनसीब बाप को वो हिम्मत दे कि वो अपनी मजलूम लाडली से माफी मांग ले। बाप अपनी बेटियों से माफी नहीं मांगता, तुम्हारे देते हैं। आप मुझे अपने कदमों में जगह दे दे। चंगा होया अबू, बच्ची। मिस्टर शाहिद, ये खुशी का मौका है, प्लीज नाराज होने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं उस दिन शबनम बहन से मिलने नहीं आया था, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। दरअसल मैं और नजमा एक ही कॉलेज में पढ़ते रहे हैं और मैं उस दिन नजमा से मिलने आया था।
अरे भाई डीएसपी साहब, अब आप क्या तीसरी लड़की तलाश करने जा रहे हैं? अब तो हमारी और आपकी पसंद दोनों एक ही हो गई हैं। ये जंगली फूल हमारे दोस्त के घर का गुलाब निकल आया है, अब दोनों घर इसी फूल की खुशबू से महकें।